ये है एक मर्सिडीज़ SLR मैकलारन। मैकलारन ने अपनी गाड़ियाँ शुरू 90 से बनाता था, जब उन्होंने मैकलारन F1 बनाई, फिर वो कंपनी ने अपनी गाड़ियाँ बनानी छोड़ दी और मर्सिडीज़ के साथ जो है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया और दोनों ने मिलकर ये गाड़ी बनाई है। तो इसका नाम बेसिकली है SLR और इसमें दोनों की इनपुट है, मर्सिडीज़ की लग्जरीनेस और मैकलारन की परफॉर्मेंस। तो बेसिकली दोनों कंपनीज़ में काफ़ी बनी नहीं, क्योंकि उसके बाद उन्होंने दोबारा कोई गाड़ी नहीं बनाई। तो यहाँ पे मेरे पास एक SLR नहीं है, दो नहीं है, बल्कि तीन है। ये वाली तो एक सिल्वर कलर की कन्वर्टेबल है, इसके बराबर में इसी का एक थोड़ा सा स्पोर्ट मॉडल है, उसका नाम है SLR 722। इसमें क्या फ़र्क है? नंबर वन, एक तो फ्रंट बम्पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, प्लस व्हील्स का भी फ़र्क है। इसमें जो व्हील्स हैं वो सादे ब्लैक एलॉयज़ हैं, इसमें ये खूबसूरत फैन डिज़ाइन के व्हील्स हैं। इसमें हेडलाइट्स जो हैं ब्लैक हैं, चाहे गाड़ी का कलर कुछ भी हो, इसके हेडलाइट्स का जो अंदर का कलर है वो ब्लैक ही रहेगा। तो इस ये पहचान होती है सबसे बड़ी 722 एडिशन की। इंजन वाइज ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों में 5400 cc का इंजन है, V8 है यानी 8 सिलेंडर, और जो स्टैंडर्ड गाड़ी है ये वाली, इसमें होता है 626 हॉर्स पावर, इसमें है 650 हॉर्स पावर। बस थोड़ा सा हॉर्स पावर ज़्यादा है, थोड़ी सी एरोडायनामिक ज़्यादा है ये, और ज़्यादा ये लाइट वेट है, तो और ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल है ये। अच्छा, फिर जो तीसरी SLR है वो ये है, वो ये तो लग रहा है जैसे इसमें डिज़ाइन करते वक्त कंप्यूटर वायरस आ गया था, मगर ऐसा नहीं है, ये एक कंपनी है फैब डिज़ाइन, उसने इसको मॉडिफाई किया हुआ है। तो इसलिए ये ऐसी अजीब सी ये दिख रही है। अब ये इन्होंने शुक्र है से 15 गाड़ियाँ बनाई हैं SLR की ऐसी, और ये दूसरी नंबर पे है, तो ये नंबर 2 और 15 है। तो इसमें उन्होंने पूरा इसका जो है बॉडी का एक्सटीरियर पैनल्स में सारे चेंज कर दिए हैं ज़्यादातर, और बॉडी सॉरी एक्सल भी वाइट कर दिया इसका, तो ये एक वाइट बॉडी सुपर कार हो गई है, ये और ज़्यादा चौड़ी हो गई। वैसे ही एक SLR जो है वो बहुत लंबी है, तकरीबन है तो वो एक टू डोर स्पोर्ट्स कार, मतलब वो एक बड़ी साइज़ की फैमिली कार जितनी लंबी है। तो इसको उन्होंने और चौड़ा कर दिया है, इसके सारे फेंडर्स भी बड़े कर दिए हैं, इस गाड़ी को और एरोडायनामिक कर दिया है। देखो ना, नॉर्मल वाली में जो फेंडर है वो बिल्कुल नॉर्मल से हैं, इस वाली में जो फेंडर है वो पता नहीं किस साइड अलग से निकले हुए हैं। तो इसके एरोडायनामिक्स इनको ज़्यादा इम्प्रूव करनी पड़ी हैं काफ़ी ज़्यादा, इसका जो रियर डिफ्यूज़र है वो भी चेंज किया हुआ है। तो ये गाड़ी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, इंटीरियर में ऐसा कोई ख़ास बड़ा डिफरेंस नहीं है। यहाँ हम देख सकते हैं इसके अंदर SLR का जो इंटीरियर है उसमें उन्होंने क्या किया, मर्सिडीज़ का एक छोटा मॉडल था SL स्पोर्ट्स कार, उसका इंटीरियर लेके उन्होंने इसके अंदर डाला हुआ है। ये फैब डिज़ाइन की बात नहीं कर रहा, मैं SLR मैकलारन की ही बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ नंबर 2 और 15, ठीक है ना। ये इसकी स्पोर्ट सीट्स हैं, ये ऑरेंज इंटीरियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप नॉर्मल गाड़ी देखें तो उसमें आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप रेड एंड ब्लैक इंटीरियर लगा सकते हैं। तो ये है इसका स्टैंडर्ड गाड़ी का इंटीरियर, ठीक है। तो ये गाड़ी आई थी असल में 2005 के आसपास, तो ये काफ़ी पुरानी हो गई है, तो इसलिए ये अब इससे कहीं ज़्यादा पावरफुल गाड़ी आ गई मार्केट में, इससे कहीं ज़्यादा तेज़ गाड़ियाँ भी आ गई मार्केट में। मिसाल के तौर पे ये दो मैकलारन 720S ले लें, ये खाली मैकलारन ने बनाई है। जब मैकलारन और मर्सिडीज़ ने SLR पे काम किया उसके बाद इन दोनों की बनी नहीं, उन्होंने फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया। मैकलारन अपनी गाड़ियाँ बनाता है और मर्सिडीज़ अपनी गाड़ियाँ बनाते हैं। तो ये दो 720S है, एक ये ब्लैक में है और एक ये ग्रे वाली, बहुत खूबसूरत कलर है। तो ये 720 हॉर्स पावर है, इनकी टॉप स्पीड ज़्यादा है। ज़ाहिर ये अभी की गाड़ियाँ हैं तो ये डिफरेंट हैं, ये गाड़ियाँ तो पुरानी हैं तो ये डिफरेंट हैं, ये अपने ज़माने की हाइपर कार्स की तरह हैं। अच्छा, इस SLR के सबसे बड़ा जो कंपेटिटर था ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी बहुत रेयर है और इतफाक से आजकल है इस शोरूम में। पहले गाड़ियाँ फिर भी करीब करीब खड़ी होती थी, अब ये तो दूर हैं। ये आ गई Aventador SV, आ गई SVJ येलो कलर की। हाँ, मैं जिस गाड़ी की बात करता हूँ वो है ये Carrera GT।
अभी आपको आगे से दिखाता हूँ, ये भी बहुत खूबसूरत गाड़ी है। ये देखें, इसमें भी एक 5700 सीसी का इंजन है, मगर ये 10 सिलेंडर है। इसमें V10 है, V10 बहुत कम गाड़ी में होता है। ये इसका इंटीरियर है, बहुत ही सिंपल सा इंटीरियर दिया हुआ है। इसमें भी स्पोर्ट्स सीट्स दी हुई हैं ग्रे कलर की। यहाँ पे इसका इंजन है, ये इसका बड़ा सा स्पॉइलर विंग है, और ये इसकी लाइट्स हैं, और यहाँ इसके एग्जॉस्ट पाइप दिए हुए हैं। इसके व्हील्स हैं, काफ़ी सादे से व्हील्स हैं। अच्छा, दोनों SLR और ये कर जी टी की टॉप स्पीड तकरीबन 330 किलोमीटर फी घंटा है, जो कि आजकल के ज़माने में बस ओके है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो कौन सी गाड़ी आपको पसंद है? क्या आप लैम्बोर्गिनी लेंगे या कोई मैक्लारेन लेंगे? जैसे ये एक और 720 ऐसा गई है, क्योंकि नहीं, दो और हैं यहाँ पे, चलो ब्लैक और ग्रे जैसे पीछे थी, ऐसे ही दो और यहाँ पे हैं। या आप फिर कोई फरारी लेंगे? फरारी में अभी अगर आप लेंगे तो उनकी सबसे छोटा मॉडल जो है वो ये है, फरारी 488 पिस्ता। इसके बाद कभी एक मॉडल F8 ट्रिब्यूटो आया है, मगर वो अभी तक शायद शुरू में नहीं आया अभी तक। तो ये छोटी सी गाड़ी भी 720 हॉर्स पावर बनाती है, जो कि मिथिलान की सबसे पावरफुल गाड़ी जो मशरीज़ के साथ उन्होंने SLR बनाई थी, या पोर्श की सबसे पावरफुल गाड़ी जो उन्होंने बनाई थी GT अपने ज़माने में, उन दोनों से ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा तेज़ है। तो बेचारी ये दोनों GT और SLR जो हैं वो वक्त के साथ साथ पुरानी हो गई हैं, और उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, मगर फिर भी गाड़ी के लिहाज से ज़बरदस्त है। 330 किलोमीटर फी घंटा तकरीबन 0 to 60 ये लोग तकरीबन 3.5 सेकेंड्स में ये लोग पहुँच जाते हैं। तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई, SLR या कर GT या कोई और गाड़ी जैसे Lamborghini Aventador S। ये है 740 हॉर्स पावर की, इसमें बहुत ही बड़ा इंजन है, 6500 सीसी V12 12 सिलेंडर का। और हाँ, ये अभी तक की सबसे पावरफुल गाड़ियों में से है मार्केट में। मसला ये है कि लोगों को हॉर्स पावर का बहुत शौक है, और इसकी वजह से अब अगर आप छोटी गाड़ी भी लें सुपर कार, जैसे ये 488 पीस है, तो वो 720 हॉर्स पावर बनाती है। अगर आप Lamborghini की सबसे पावरफुल गाड़ी लेंगे तो वो 740 हॉर्स पावर बनाती है। तो बस अब जो परफॉर्मेंस फिगर्स हैं वो तकरीबन सेम ही हो गई हैं सब गाड़ियों की। सब गाड़ियां जो है वो अब एक ज़माने में 600 हॉर्स पावर की होती थी, अब जो है वो 700 हॉर्स पावर की होने लगी हैं। अब कुछ अर्से में ये सब 800 हॉर्स पावर की होने लगेंगी। सब नंबर्स का खेल, लोग नंबर्स पे ही जाते हैं, गाड़ियों को पसंद करते हैं। तो मुझे बताइएगा आप लोगों को कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आई है।